हेलो दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं एक 2D ड्राइंग बनाना जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। तो यह है वो ड्राइंग, इसमें हम दो एक न्यू कमांड सीखेंगे जैसे कि ट्रिम करना और ये एक सेंटर से पैटर्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या क्या बनेगा। सबसे पहले हम इसमें रेक्टेंगल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद एक सर्कल इसमें ये दे रखा है, एक दो तीन और ये चार, और ये भी हमें सर्कल से बनाने हैं सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल में जाकर न्यू एक प्लेन लेते हैं। प्लेन लेने के बाद सबसे पहले हम इसमें एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद जो हमको उसमें रेक्टेंगल दे रखा है हम उसको बनाते हैं। इसके बाद हम इसको करते हैं 150, इसको करते हैं 120 और यहाँ लगा देते हैं रिलेशन। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो शिफ्ट दबाने के साथ, इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करो और इसको हॉरिजॉन्टल रिलेशन दे दो। ऐसे ही हम वर्टिकल रिलेशन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो और वर्टिकल रिलेशन हमें दे दिया है। उसके बाद चलिए हम और डायमेंशन ले लेते हैं जो उसमें दे रखी हैं। तो एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं जो उसमें दे रखा है। इसके बाद हम दो सर्कल लेते हैं जो उनको दोनों साइड में दे रखे हैं। उसमें इस सर्कल को हम थोड़ा पकड़ के ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो इसको छोटा करने के बाद एक सर्कल हम यहाँ पर ले लेते हैं और एक हम ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए सेंटर लाइन ले लेते हैं जिससे हम इसमें मेरा करना भी सीखेंगे। तो पहले इसको हम रिलेशन दे देते हैं इसको, और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देंगे। ऐसे ही हम इसको देंगे रिलेशन शिफ्ट के साथ इसको, और ये हमारा आ जाता है इधर हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और मेकर इक्वल रिलेशन। उसके बाद इनको डायमेंशन दे देते हैं, अंदर वाला सर्कल हमारा 20 रेडियस यानी कि 40 डायमीटर और बाहर वाला हमारा 50 रेडियस यानी कि 100 डायमीटर। और हमें इनमें से सिर्फ एक को डायमेंशन देनी पड़ेगी क्योंकि हमने दोनों इक्वल कर रखे हैं। तो ये 38 का सर्कल रहेगा और इस सर्कल की जो हमारा डिस्टेंस रहेगा यहाँ से 50 रहेगा, कुछ इसी तरह का। इधर से भी हम इसको डिस्टेंस दे देंगे, ये भी हमारा 50 रहेगा। तो चलिए फटाफट से इसको भी डायमेंशन दे देते हैं। इस पॉइंट से ये हमारा डिस्टेंस रहेगा 30.31 और ऊपर की साइड से हमारा डिस्टेंस रहेगा पॉइंट को रिस्पॉन्स सेलेक्ट करो और ये हमारा 17.50 रहेगा। 17.50 होने के बाद हम इसको एक जो इसका डायमीटर है उसको दे देते हैं। तो ये डायमीटर है इसका 12, तो इसको 12 दे दिया और 12 देने के बाद हम इसको मिरर कर सकते हैं। चलिए आप मिरर करना दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मिरर एंटिटीज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से सेलेक्ट करें एंटिटी टू मिरर, ये बता रहा है। तो इसमें हमको मिरर के लिए सेलेक्ट करना है जो चीज़ को मिरर करनी है, उसके बाद इसमें क्लिक किया, उसके बाद एक लाइन लेनी है जिसके अबाउट आपको मिरर करना है। तो ये आप मिरर हो चुका है, राइट क्लिक करें और ये कंप्लीट मिरर हो चुका है। तो इसके बाद हम इसको टेंजेंट टू टेंजेंट दो सर्कल बनाएंगे। चलिए इसको और शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको भी करते हैं, इसको और शिफ्ट के साथ इस छोटे वाले सर्कल लेते हैं तो हमारा टेंजेंट हो जाएगा। इधर भी हमको ऐसे कर लेना है। आफ्टर दिस वी कैन ट्रिम ऑल दिस और वी मस्ट हैव टू ट्रिम लाइक दैट। आप देख सकते हैं ये सभी हमने ट्रिम कर दिए हैं। इसके बाद आप इसमें देखेंगे इसमें हमारे अभी दो चीज़ें रह गई हैं, एक ये जो हमने इस तरह का एक कर्व दे रखा है यहाँ पर और दूसरा ये हमको इस तरह बनानी, हमको बनाने नहीं पड़ेंगे इसमें पैटर्न करेंगे। चलिए इन चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए इसमें पहले देखते हैं कि हमारा ये टेंजेंट कितना है। तो ये हमारा 12 जो कि 4 4 बाय 12 मतलब 1 2 3 4 12 24 डायमीटर का हमारा ये सर्कल बनेगा इधर। तो हम इसमें भी यहाँ पर मिरर करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं और इसी को ड्राइंग को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें, पर उससे पहले आपको वो समझनी चाहिए। तो ये जो हमारा इसको डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा 24 होने के बाद हम इसको टेंजेंट करेंगे शिफ्ट दबाने के साथ ये सर्कल, और टेंजेंट का ऑप्शन हमारा इधर आ जाएगा। तो इसको टेंजेंट करें और इसी तरह इसको भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें। ये हमारा टेंजेंट हो चुका है, इसको हम सिंपली ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद हम इसको मिरर कर देते हैं। ये हमको मिरर करना है जैसा आपको बताया था, अबाउट किसके करना है, अबाउट किसके करना है। तो ये हमारा मिरर चुका है। तो और चाहे तो हम इसमें एक चीज़ भी लगा सकते हैं, हम रेडियस दे सकते हैं इस चीज़ को इस तरह से। तो ये हमारा 10 का रेडियस बटन, 10 का नहीं 24 का हमें देना है। तो हम इस तरह से दे सकते हैं। ओके, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ये भी हमारा इधर सेम टाइप में लग गया है। ये हमारा 24 रेडियस का लगा, इधर 24 डायमीटर का लगा था तो इसलिए बड़ी दिख रहे हैं। आप इसको चाहो तो 12 भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पर डबल क्लिक करो किसी भी डायमेंशन पर और उसके बाद इसको हम 12 कर देते हैं तो ये सेम इसी की तरह हो जाएगा। इसके बाद हमको ये यहाँ सर्कुलर स्केच पैटर्न कराना है। हमको सबसे पहले इसका पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसके बाद हमको कोई भी चीज़ पैटर्न करनी है। हमको सर्कुलर पैटर्न करना है, उसके लिए एंटिटीज जो हमको पैटर्न करनी है वो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये सभी हमको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आइटम जितने को करना है तो हमको 4 ही करना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 3 4 4 हमारा इक्वल हो चुके हैं जो कि 360 डिग्री पर है। अब इसको यहाँ से ओके करो और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।